अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। राहुल वर्मा, राहुल वर्मा 50 रुपए का दान दे रहे हैं, ओली बाबा भंडार भरते रहे, सदबुद्धि प्रदान करें। शंकर भगवान की पत्नी गौरा मैया श्रृंगार बना रही है, लिस्पिट लिस्पिट क्रीम पाउडर लगा रही है, कहां के लाए महाराष्ट्र लेकर के लाए, बीचा बीच कुटिया में बैठी है और भोले बाबा ने देख लिया। बोले शंकर भगवान कहने लगी गौरा, इतना सुंदर श्रृंगार बना के तुम कहां जा रही है, कुछ गड़बड़ है। बोले गड़बड़ कुछ नहीं है, हम महाराष्ट्र देखने के लिए जा रही हूँ। कहाँ पर? बोले वृंदावन। क्या? हाँ, गोपिका सारी जा रही है तो हम भी जा रही है, और तुम्हें नहीं मालूम है भोले बाबा बंसी बहुत अच्छे बजाते हैं क्या? नहीं आ अब श्याम सुंदर भगवान बहुत अच्छी बंसी बजाते हैं, प्रशंसा करने लगी कौन? गौरा। शंकर भगवान कहने लगे तो हम भी चलेंगे बंसी देखने के लिए, हम भी तो देखें कितनी अच्छी बंसी बजाते हैं। बोले सुनो, वहां कोई मर्द नहीं जाता, वहां सिर्फ नारी नारी जाती है। श्री शंकर भगवान हंसने लगे, कहने लगे कोई बात नहीं, अब नारी बनेंगे। बोले भगवान की कथा में दान दे रहे हैं, यानी 100 रुपया 20 रुपए का दान दे रहे हैं, और 10 रुपए धर्मा भाजी उर्फ मनुआ। भोले बाबा भंडार भरते रहे। शंकर भगवान कहने लगे कोई बात नहीं है, नारी नहीं जाते, मर्द नहीं जाते, नारी तो जाती है, तेरे पर वस्त्र पहने के चलेंगे, कोई नहीं पहचाने का। पार्वती के लहंगा चुन्नी निकालना ही और पैरन लगे। पार्वती कहने लगी पागल तो ना हो गए तुम, आए साड़ी पहन गई,
वस्त्र पहन ले। पार्वती कहने लगी पागल तो नहीं हो गए, अरे तुम्हारा जो ठिकड़ो देखो जी मारने पत्ते चाकरा दे झाड़ू नहीं लगी ये मौका और ऐसे जाओगे हर कोई पहचान लेगा ये मर्द है। हर कोई पहचान लेगा तुम ना जाओ। और माता बहना भाई पार्वती ने एक बात और कही, ऐ देखो हम कैसे श्रृंगार बनाए रही है और तुम्हारा मुंह करिया करिया हो रहा है, तुम उनको लच्छे नहीं लगोगे। पार्वती श्रृंगार बनाए भी मुझपटी पड़ी है, हमने देखा जब हमारी माता बहना श्रृंगार बनावे बाजी बाजी तो बीचा बीच आंगन में बैठ जाती है। एक बात याद आ गई है, ध्यान देंगे, एक लल्ला की नई नई शादी भाई भाई बहु घर में आई, बीचा बीच आंगन में श्रृंगार बनाए हुए बैठे, टांग फैलाई है, टांगन पे बीचा बीच में सिंगा तानी धल ली, लिस्पट लिस्पट क्रीम पाड़ा लगा लगी, कहो बिंदिया छोड़ाई के नाक पे लगाए ले, तो कहो बिंदिया छोड़ाई के थोड़ी पे लगाए ले, कभी जहां अच्छी लग रही है कभी जहां अच्छी लग रही है। घूमत घामत से ठंड खोपड़ी को दे बनवाई गो, बोली भाभी श्रृंगार बनाए रही है, हौले हौले सिंगार दानी के जोले बैठे गो, भाभी शीशा में लगी पड़ी, कबू काजल लगावे कबू बिंदी लगावे कबू पंडा काजल कबू छोटू काजल, देवर ने कहा करो श्रृंगार दानी में हाथ डाल दो बिंदी को पत्ता निकाल लो। बोले भाभी हाँ हाँ जी बल्फ गाय के काम में आता है रंग बिरंगे बल्फ। भाभी बोली चुप रहो, बिंदी को पत्ता है जी बल्फ रख दो जी। देवर ने फिर हाथ डालो लिस्पिट निकाल ली और जो लिस्पिट निकाली अब घुमाई सुबह और ज्यादा लंबी होने लगी। बोले भाभी जी का है जय कुसो, बोले चुप रहो जी लिस्पिट है तुम्हें ना जानते चुप रहो। बहु छीने के धल्ले सिंगार दाने में भाव देवर फिर वही बैठाना, फिर हाथ डालता हूँ और जब हाथ डालो फेवर लवली को पाउच निकल जाओ और फेवर लवली को ढक्कन खोल को हथेली पहले कार के घर नाक से लगाई बड़ी खुशबू आने लगी, धीरे 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 जीवते लगाई सवाद लगन लगी, सबरी हाथ पर निकाली और सब चाटे और जो भाभी ने देखो सेकंड खोपड़ी के देवर क्रीम खाए थे कार से दाई को तमाम जवाब बताए तुमने सारी क्रीम खा गए सवेरे तो तुम्हारे पापड़ पे क्यों बेच के मंगाई भैया तुम्हारे बड़े भैया ने पहले और जो तमाचो देवर को एकदम की आंसू दर गवा गए रोना सो और रोते 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 बड़े भाई के पास पहुंचा। जैसे ही बड़े भाई ने देखा किसने मारा तुझे, बोले भैया हमारो भाभी ने उद्घाटन कर दो क्यों मारा, चल हम भी तो देखे तुझे क्यों मारा, आपको बहुत बड़ो से ठंड खोपड़ी को रहे अपने भैया को सर लिया, बोले उसे ये मजा लेते मेरे भाई को मारे और जो पत्नी ने आप देखो पति को आई तो कम ठंड से नदी बांध लगाई। बोली सुनो 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 पहले खोल के बाद पत्नी ने के बाद खोली और एकदम पति की जेब भर ले, पति का इन्हें घालू के सुगंधो रंग की तरह उठा ले। बोले सुन ले पहले तो मारी, बोले पता क्या बात है, पति को ना पहले तू बता, पत्नी कहने लगी पहले अपने भैया को पूछो है तू बता, बोले भाभी को पूछो अब भाभी बोले तो मैं क्या बताए देखो सबसे पहले भैया सिंगार दाने में हट जाता हूँ। बड़ा भाई कहने लगा रे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, बोले अपनी बिंदी को पत्ता निकाल लो, फिर हमने बहुत छीने के धर निकाल ली, बहुत छीने के धर ली हमने, फिर हमने बिंदी का करो जो तुम सब वीडियो बना के आए थे और लवली वीडियो बना करो बोले का पाउच फेवर लवली को पाउच निकाल लो और सारी हाथ पर रख के चाट गई देख क्या और जो बड़े भाई ने सेवी ने खोपड़ी के लिए सुना एक तमाचो अपने भैया में होता हूँ जवाब का उल्लू के पट्टे अरे कोई खानी तो रोटी तिच पर की खा ली तो ऐसे कहीं खा ली तो नहीं है बाजी के लिए किताब के कौन से अगर हैं नकु पड़ी की को बटे निकासे होली का नहीं अलाल की जय ये 20 रुपए का दान आया है हमारे गगन भैया के और 101 रुपए कुलदीप
101 रुपए का दान है, कुलदीप श्रीमद् भागवत में दान दे रहे हैं, गोविंद माता रानी हमेशा भंडार भरते रहे, और ये कुछ दानदाताओं का दान है, यानी 100 रुपए गुप्त दान महाकल्याण, माता रानी हमेशा कल्याण करती रहे ऐसे भक्तों का। बैठो ना, बैठो मेरे पीछे। बोली राश हरी भगवान की, सुखदेव महाराज समझाने लगे, बोले बाबा ने।